हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर करने वाले हैं। और इस चैप्टर का दोस्तों पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कर लिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तों। तो हम जहाँ से अपने पार्ट 1 को ख़त्म किए थे वहीं से अब पार्ट 2 को शुरू करने वाले दोस्तों। और इस पार्ट में हम करेंगे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन क्या था, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन इतना शक्तिशाली क्यों था, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके CUET एग्ज़ाम को लेकर भी। और जैसे आप सभी को पता है कि इस बार CBSE ने सिलेबस भी चेंज कर दिया, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली। एंड तक ज़रूर देखिए वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों हमने इससे पहले बात किया था कि हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, वो कौन से प्रमुख स्रोत हैं जिन स्रोतों के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने आपको बताया था कि वो कौन कौन स्रोत है, वो थे मेगास्थनीज इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। सो हमने आपको बताया कि जो मौर्य साम्राज्य है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। जो मौर्य साम्राज्य वो फैला हुआ था दोस्तों पश्चिमोत्तर, कहाँ से दोस्तों कहा था, हमने कहा था कि पश्चिमोत्तर से के अफगानिस्तान, ठीक है, फिर बलूचिस्तान से लेकर दक्षिण के राज्यों तक जो है, कुछ कुछ राज्य इसमें शामिल थे, वहाँ आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ तक जो है मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। यानी विस्तार पूरे भारत में नहीं था लेकिन मौर्य साम्राज्य का जो अधिकतर विस्तार कहा जाता है दोस्तों वो उत्तर भारत में, यानी संपूर्ण भारत में नहीं लेकिन उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत ही अधिक ज़्यादा था। और उत्तर भारत में ही 16 महाजनपद के जो चिन्ह हैं वो देखे जाते हैं और वहीं पर वो 16 महाजनपद स्थित थे। हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 321 ईसा पूर्व में, और उसके बाद वो सारी चीज़ हम करने वाले हैं। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को इतना विस्तार था और कोई साम्राज्य सही रूप से सुचारू रूप से तभी चलाया जा सकता है, इतना बड़ा साम्राज्य, जब उसका प्रशासन करने का तरीका सुव्यवस्थित हो, सुनियोजित हो, तभी कोई बड़ा जो है राज्य चलाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वर्तमान में हमारा भारत एक 28 राज्यों का समूह है, है ना, हम 28 राज्य हैं हमारे यहाँ पर। तो इन 28 राज्यों के साथ साथ हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इतने बड़े देश को संभालने के लिए सुनियोजित कानून, नियम, ये तरीके होते हैं, तभी हम अपने देश में शासन को अच्छी तरह चला पाते हैं, अन्यथा अव्यवस्था फैल जाती है। तो ऐसे ही मौर्य साम्राज्य चूँकि बहुत बड़ा साम्राज्य था और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सुनियोजित व्यवस्था, सुनियोजित प्रशासन होना जरूरी था। और इसीलिए मौर्य साम्राज्य ने दोस्तों क्या किया था कि अपने पूरे साम्राज्य को प्रमुख राजनीतिक, यानी प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्रों में बांट दिया था। कितने राजनीतिक केंद्रों में? 5 राजनीतिक केंद्रों में। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र। जी हाँ, पाटलिपुत्र, जिसे हम आज पटना के नाम से जानते हैं। तो ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। जैसे आज हिंदुस्तान की राजधानी क्या है? दिल्ली है, प्रशासनिक राजधानी, यहीं सारा जो है देश विदेश के संबंध स्थापित किए जाते हैं। ठीक ऐसे ही मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, और इस राजधानी के अलावा 4 प्रमुख और भी केंद्र थे राजनीतिक केंद्र। जैसे हमारे क्या, दिल्ली, वर्तमान अगर हम भारत की बात करें दोस्तों तो भारत पता नहीं क्या क्या है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, बम्बई, ये प्रमुख है, ये प्रमुख स्टेट 4 महानगर कहे जाते हैं। ठीक ऐसे ही ना राजधानी के अलावा 4 और ऐसे राजनीतिक केंद्र थे किसके? मौर्य साम्राज्य के। वो कौन कौन से? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और स्वर्णगिरी। तक्षशिला, उज्जैनी के ऐसे व्यापारिक केंद्र थे, यानी ऐसे जगहों पर इनकी स्थापना की गई थी जो व्यापार के बड़े केंद्र हुए। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो स्वर्णगिरी जो कहाँ पर स्थित? कर्नाटक में। और स्वर्णगिरी किस लिए फेमस था? सोने की खदान के लिए, सोने की खान के लिए। KGF की बात आप समझ सकते हैं, कुलार गोल्ड फील्ड जो है KGF, तो वैसे कुछ समझ सकते थे जो कर्नाटक में इसी प्रकार से पूरी तरह से संबंधित था। और ये जो चारों ये क्षेत्र थे दोस्तों, ये पश्चिमोत्तर से लेकर अफगानिस्तान से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और
उत्तराखंड तक ये जो राज्य जो है पूरी तरीके से फैले हुए थे। तो ये मौर्य साम्राज्य के प्रशासन यहीं से ही संचालित किया जाता था और इसलिए मौर्य साम्राज्य का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से हो पाता था। क्लियर। इसके अलावा अब बहुत से विचारक कहते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य था तो इतने बड़े साम्राज्य को क्या एक अकेला शासक हैंडल कर पाता था, ये मुमकिन नहीं है। विचारकों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हम देख सकते हैं कि भाई भारत के इतना बड़ा हमारा देश है और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति या केवल हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे भारत का शासन चला सकते हैं? नहीं। प्रधानमंत्री के अलावा क्या होते हैं, हर स्टेट का अपना मुख्यमंत्री होता है और भी राज्यपाल होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल होते हैं जो राज्य को चलाने में प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं। ठीक ऐसे ही मौर्य साम्राज्य की सहायता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे गढ़ भी थे, संघ भी थे, है ना। कुछ जगहों पर गहपति का भी प्रयोग किया गया है। गहपति अगर हम कहें तो गहपति का शाब्दिक अर्थ क्या होता था दोस्तों? गहपति, गहपति का मतलब होता है गह, क्या गहपति मतलब यहाँ पर जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व शब्द का प्रयोग किया गया था वो था घर का स्वामी, यानी घर का स्वामी। और इसका क्या होता था, इसका जो गृहपति का अधिकार क्या होता था, ये घर की महिलाओं बच्चों बुजुर्गों पर अपना अधिकार रखते थे और घर की सारी जरूरतों को पूरा करते थे, है ना, शासन व्यवस्था को पूरा करते, तो ये गृहपति होता था। इसके अलावा गढ़, जनपद, ठीक है, संघ के माध्यम से भी मौर्य साम्राज्य को संचालन किया जाता था। और कोई भी साम्राज्य सही प्रकार से संचालन कब होता है, जब वहाँ या उसकी सेना मजबूत होती है। ठीक, जैसे हमारी सेना काफ़ी मजबूत है और कोई भी अगर घटना घटित होती है तो हमारी सेना जो है समय पर पहुंच जाती है या घटना घटित होने को रोकती है, तो ऐसे ही मौर्य साम्राज्य के अंदर भी उसके प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए वहाँ पर सेना बहुत बड़ी भूमिका निभा रही थी। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य या कह सकते हैं कि जहाँ पर सुव्यवस्थित सेना की स्थापना की गई, पहली बार वहाँ पर सुव्यवस्थित सेना की स्थापना की गई। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य ने सैन्य व्यवस्था में अपने सैनिक टुकड़ियों को, मैगसिनिज ने अपनी पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के सैनिक टुकड़ियों को जो है एक समिति और छह उप समिति में बांटा है। तो एक समिति और छह उप समिति का था और छह उप समिति का अलग अलग काम था दोस्तों। पहली समिति का काम क्या था, उप समिति का नौसेना का संचालन करना। दूसरी उप समिति का काम क्या था, यातायात और खान पान का देखभाल करना। तीसरी क्या थी, पैदल सैनिकों का संचालन करना, ठीक है। चौथी क्या थी, अश्वरोहियों का संचालन करना, ठीक है, रथरोहियों का संचालन करना, हाथियों का संचालन करना। तो इस प्रकार से प्रत्येक समिति काम बटे हुए थे। जब हर व्यक्ति का काम बटा होता था काम अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से और आसानी से हो जाता है। ऐसे ही मौर्य साम्राज्य ने अपनी सेना को दोस्तों है अच्छी तरह से संचालन करने के लिए इसको कई भागों में बांट दिया ताकि सेना को संचालित करने में किसी प्रकार का बाधा ना आए। मान लेते कि भाई एक ही व्यक्ति अगर नौसेना कभी, जैसे हमारे यहाँ क्या है, थल सेना है, वायु सेना है, ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जल सेना है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सेना बंटवारा किया गया, ठीक है। ऐसे ही मौर्य साम्राज्य भी सेनाओं को कई भागों में बांट दिया गया था और हर सेना का अपना अलग अलग काम होता था, हर समिति का अपना अलग अलग काम होता था, जिस प्रकार समितियों के माध्यम से सही प्रकार से संचालन किया जाता था। क्लियर। तो यहाँ से देखेंगे और इसी समय दोस्तों जब मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा था, धीरे धीरे जो है मौर्य साम्राज्य विकास में आगे बढ़ता चला गया। अब बात करते हैं दोस्तों हम अशोक की। अशोक जो मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें, सबसे महान शासकों में से एक है अशोक महान। अशोक दोस्तों पहले इसकी जो नीति थी वो युद्ध नीति थी। क्या थी, युद्ध नीति। लेकिन 13वें शिलालेख की अगर हम बात करें, 13वें शिलालेख में इसके कलिंग युद्ध का वर्णन है। किसके वर्णन, माफ कीजिएगा, ठीक है, इसमें एक युद्ध अशोक का एक युद्ध हुआ था कलिंग। कलिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो कलिंग वर्तमान में उड़ीसा है, ठीक है। तो अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें अशोक को जीत मिली थी और अशोक ने मौर्य साम्राज्य को बढ़ाया था उड़ीसा तक, उसका जिक्र किया गया अशोक के 13वें शिलालेख में। किसमें, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने युद्ध नीतियों को त्याग दिया। इससे पहले अशोक बहुत ज़्यादा युद्ध करता था, युद्ध के माध्यम से लोगों को जीतता था, बहुत महत्वाकांक्षी था, साम्राज्य का विस्तार करने वाला था, कह सकते हैं बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। बट कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने पूरी तरीके से अपने युद्ध नीतियों को त्याग दिया और युद्ध नीति के माध्यम से उसने त्यागने के बाद क्या अपनाया, धर्म नीति अपना लिया। सोचिए वह अशोक जो पहले युद्ध करता था, युद्ध के बिना उसको चैन नहीं मिलता था, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, लेकिन
कलिंग युद्ध के बाद उसने अपने पूरे साम्राज्य में कहें तो जो है पशु पक्षी की हत्या करने पर भी पाबंदी लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, हिरणों की हत्या करने पर प्रतिबंध लगा, तमाम प्रकार के जानवरों की हत्या करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये अशोक का परिवर्तन था, और जो अशोक का परिवर्तन था दोस्तों उसे हम किस नाम से जानते हैं, धम्म के नाम से जानते हैं। यानी अशोक ने अपने विचारों का जो प्रसार अन्य लोगों तक करने की जो बीड़ा उठाया उसे कहा गया धम्म। धम्म जो अशोक का था दोस्तों उसमें अशोक के अनुसार सभी धर्म क्या थे, एक समान थे, है ना, सभी धर्म एक समान, ठीक है। इसमें अशोक के अनुसार छोटे बड़े का आदर सम्मान करना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार भेदभाव नहीं करना चाहिए, सर्वधर्म संभाव के आधार पर धम्म का प्रचार किया गया। और जो धम्म का प्रचार करते थे, धम्म का प्रचार करने वाले जो थे उनको क्या कहा गया, महामात्य कहा गया। जो धर्म का प्रचार करते थे उन्हें क्या कहा गया था, महामात्य। इस तरह से क्वेश्चन आपके CUET में और CBSE बोर्ड 2023 में क्वेश्चन एक नंबर से पूछा जाता है दोस्तों कि धम्म का प्रचार करने वालों को क्या कहा गया, धम्म महामात्य कहा गया, ठीक है। धम्म क्या है, अशोक का धम्म क्या है, तो हमने कहा अशोक का धम्म एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा धर्म था, एक ऐसा नियम था जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया गया, छोटे बड़े, ठीक है, किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं समझा गया, ठीक है, छोटे बड़ों का आदर, छोटों का सत्कार करने की बात की गई, है ना, इस प्रकार से ये चीज़ें वहाँ पर होने लगी, ठीक है, ये हम समझ गए। अब अशोक जो है दोस्तों और भी तेज गति से आगे बढ़ता चला गया और उसका साम्राज्य का विस्तार हो गया, और यानी अशोक कह सकते हैं किसने बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से अपनाने में अपना योगदान दिया। अब इसके बाद जो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि भाई छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जहां पर दान देने की बात पता की गई है, दान लेने की बात पता की गई है। तो अगर हम बात करें ऐसे तो महिलाओं को दान दक्षिणा दूर रखा जाता था, महिलाएं दान नहीं दे सकती, लेकिन इस काल के दौरान जो हमें पता चला है कि एक महिला है जो दान और दक्षिणा दी थी और भूमि दान उन्हें दिया, तो उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है प्रभावती गुप्त। क्या नाम है, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त कौन है, तो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है, कौन, प्रभावती गुप्त। तो इनके द्वारा भूमि दान देने की परंपरा की बात स्वीकार की गई है, इनके अभिलेख हमें मिले हैं। उस समय महिलाओं को जो है भूमि दान नहीं दिया जाता था, महिलाओं का जो संबंध था वो दोस्तों संपत्ति से नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो प्रभावती गुप्त हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उन्होंने भूमि दान में दिया था। एक और शब्द मैं आपको बता दूं जो पेपर में आता है, पेपर में आ सकता है इंपॉर्टेंट, वह अग्रहर। अग्रहर किसे कहा गया है, अग्रहर कहा जाता है वह भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, यानी वह भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती उन्हें अग्रहर कहा जाता है। यानी इस भूमि पर किसी प्रकार का जो है ब्राह्मणों को कर नहीं देना पड़ता था, यानी टैक्स फ्री जो लैंड था उसे अग्रहर कहा गया। इवन ब्राह्मण जो है दूसरों से दान और दक्षिणा ले सकते थे, ठीक है, उन पर टैक्स लगा सकते थे, लेकिन ब्राह्मण जो थे उन्हें टैक्स फ्री रखा गया, तो उन्हें उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये मौर्य साम्राज्य के बारे में सवाल आता है दोस्तों। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है हम दक्षिण की, अगर हम बात करें दोस्तों दक्षिण से, ठीक है, दक्षिण से अगर हम बात करें, ये आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों दक्षिण, दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण राज्य में दोस्तों एक जैसे तमिलकम की अगर हम बात करें तो तमिलकम में क्या क्या शामिल होता था दोस्तों, तो तमिलकम में आधुनिक तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से को मिलाकर इसे हम क्या कहते थे, तमिलकम कहते थे। और यहां अगर हम बात करें तमिलकम पूरे प्रदेश में, तो यहां पर चोल, कौन कौन साम्राज्य थे, चोल, ठीक है, चेर और पांडे, चोल। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सरदार और सरदारी, तो सरदार और सरदारी क्या था दोस्तों, तो सरदार अगर हम बात करें तो सरदार एक जो होता था दोस्तों एक शक्तिशाली पद होता था जो वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। वंशानुगत मतलब होता है कि जैसे राजा के बेटा राजा,
ठीक है, इसे वंशानुगत बोलते हैं। तो जो सरदार का पद था वो वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। और सरदार का काम क्या होता था, दान दक्षिणा लेना होता था, राजा के लिए काम करना होता था, और राजा द्वारा जो इसे भूमि दी गई थी जिसकी इसकी रक्षा करना होता था, जिसके माध्यम से राजा से इसके संबंध अच्छे होते थे, तो उसकी सारी जिम्मेदारी इसी की होती थी। और जो जिम्मेदारी इसको दी जाती सरदार को, उसे सरदारी कहा जाता था। तो ये दक्षिण में प्रचलित थे दोस्तों ये प्रथा। और चोल, और अगर हम बात करें चोल चे पांडे और जो है चेस साम्राज्य, जो है पांडे साम्राज्य, इसमें संबंधित महत्वपूर्ण ये पद होता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो दक्षिण में, तो दक्षिण में जो दक्षिण में अगर हम बात करें दोस्तों, तो दक्षिण के जो कुषाण शासक होते थे, ठीक है, दक्षिण के जो कुषाण शासक होते थे, कुषाण शासक, तो कुषाण शासक अपने आप को अगर हम माने तो ये अपने आप को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए या अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए अपना नाम जो है राजा के साथ अपने नाम के आगे किसी न किसी देवता का नाम जोड़ लेते थे, जैसे देवपुत्र की उपाधि। ठीक वैसे ही जैसे चीन के जो राजा होते थे वो अपने नाम के आगे स्वर्गपुत्र लगाया करते थे, ठीक ऐसे जो कुषाण शासक थे दक्षिण के, वो अपने नाम के आगे जो है वो देवपुत्र लगाया करते थे। अब कुषाण शासकों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में माट है ना, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में माट में एक स्थान है, तो माट के देव स्थान से, जो है देव स्थान से कुषाण शासकों की एक विशालकाय मूर्ति मिली है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुषाण शासक अपने आप को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताने के लिए या सर्वप्रिय बताने के लिए जो है अपने नाम के किसी न किसी देव का नाम या भगवान का नाम लगा लेते थे, जिससे जनता इनको पूछती थी। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दैविक, ठीक है, दैविक राजा का जो प्रचलन था, ठीक है। अब ये जो कुषाण शासक हैं, ये कुषाण शासक इनका अगर हम बात करें तो कुषाण शासकों ने सबसे पहले जो है दोस्तों क्या चलाया था, तो तांबे और सोने के सिक्के, तांबे, ठीक है, कुषाण शासकों ने तांबे और सोने के सिक्के, तो सबसे पहले तांबे और सोने के जो सिक्के चलाए थे वो कुषाण शासकों द्वारा ही चलाए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें सिक्कों में, तो यहाँ पर आहत सिक्के भी आता है दोस्तों, आहत सिक्के, तो आहत सिक्के जिसे पीट कर दाब कर बनाया जाता है उन्हें आहत सिक्के कहते हैं, और जो आहत सिक्कों को पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा गया, मुद्रा शास्त्री कहा जाता था। तो इस तरह से इस प्रकार क्वेश्चन CUET में पूछे जाएंगे, और आपके CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस आपका लॉन्च किया गया है उसके आधार पर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सारी चीज़ें। यहाँ पर एक और शब्द की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक और शब्द है, वो है श्रेणी। श्रेणी क्या है दोस्तों, श्रेणी, ठीक है, श्रेणी क्या होती थी, तो श्रेणी जो है यहाँ पर व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहा गया। किसको कहा गया, जो व्यापारिक समूह होते थे दोस्तों, व्यापारिक समूह या व्यापारियों के जो समूह थे उन्हें श्रेणी कहा गया। ये कई भागों में बटे होते, उन्हें श्रेणी कहा जाता था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन जो है आपके लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक से। तो एक बार हम इसको रफ कर लेते हैं और मैं आपको थोड़ा सा अशोक से इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अशोक, तो हम अगर अशोक की बात करें दोस्तों, तो अशोक, ठीक है, तो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो सबसे ज़्यादा अभिलेख किस भाषा मिले हैं, तो प्राकृत भाषा में। तो अधिकांश अभिलेख की अगर हम बात करें तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं प्राकृत भाषा में है, बट इसके प्राकृत भाषा के अलावा भी और भी जो अशोक के अभिलेख है वो अन्य भाषाओं के अगर हम बात करें तो उसमें अरामाइक यूनानी भाषाएं भी शामिल हैं। अगर अरामाइक की बात करें, अरामाइक की बात करें दोस्तों, तो ये और यूनानी की बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ से मिले हैं, अफगानिस्तान से, ठीक है। ऐसा नहीं केवल अशोक जो है प्राकृत भाषा में लिखा, जो अभिलेख केवल प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में अधिकांश अभिलेख मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं केवल कि केवल प्राकृत में, अरामाइक भी है, यूनानी भाषा में भी है। जो पश्चिमी उत्तर की अगर हम बात करें तो इसमें अरामाइक और यूनानी भाषा के अभिलेख अशोक के पाए गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 100% पूछा जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्राकृतिक अब लिपि कौन कौन सी है, तो लिपि जो है अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी, ब्राह्मी, कुछ अशोक के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में पाए गए। तो जो खरोष्ठी लिपि है दोस्तों, खरोष्ठी, तो ब्राह्मी लिपि उत्तर में पाई गई है, और जो खरोष्ठी लिपि है वो पश्चिमोत्तर यानी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत अगर हम बात करें अफगानिस्तान में, तो यहाँ पर इस लिपि में अशोक के जो अभिलेख पाए गए हैं।
ठीक है। तो ये सारे चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और अगर हम बात करें तो सिक्के से हमने देख लिया दोस्तों, दक्षिण के राज्यों की बात हमने कर ली। तो ये अमूमन जो है इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है, यानी यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन सीयूटी में पूछा जाएगा और आपके सीबीएसई की परीक्षा में तो आएगा ही आएगा। तो ये आप सभी को कर लेना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।